अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये है सेकेंड डे ऑफ ईद और हम लोग जा रहे थे अपनी फ्रेंड की तरफ। हस्बैंड सब ने डिसाइड किया था कि वो बाहर खाना खाएंगे और हमने अपनी फ्रेंड की तरफ खाना खाना था। तो यहाँ कुछ बच्चे फायर वर्क कर रहे थे तो रोहान बहुत एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि रोहान ने फायर वर्क कभी नहीं देखा था तो बहुत खुश हो रहा था फायर वर्क देख के। तो ये पाकिस्तानी स्ट्रीट है, तो यहाँ सारा कुछ पाकिस्तानी टाइप ही होता है, इसलिए बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, मतलब ऐसा कुछ हो रहा हो। तो यहाँ बच्चों की वीडियो बना रहे थे और बच्चे आपस में लड़ी जा रहे थे, वीडियोस बना ही नहीं रहे थे सही तरह। माशाल्लाह चारों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। और मेरी फ्रेंड ने खाने में मैक्रोनी बनाई थी, स्पैगेटी बनाई थी, साथ चिकन ब्रेड थी, साथ शवारमे थे, केक थे और ड्रिंक्स थी। माशाल्लाह सारा कुछ बहुत मज़े का बना था। और यहाँ हरम, अलीज़ा और सारा अलिशपा के साथ खेल रही थी। बच्चों को, छोटे बच्चों की बहुत अट्रैक्शन होती है कि छोटे बच्चों को हाथ लगाएं, टच करें और उनके साथ खेलें। उसके बाद हम लोगों ने पी थी कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत मज़े की बनी थी। ये भी मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था इसलिए हमने कोल्ड कॉफ़ी पी। तो अब ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, मीन्स के थर्ड डे ऑफ ईद की, और हम लोग जा रहे थे बीच कैंप। हम लोगों ने बीच कैंप बुक किया हुआ था और वन डिश सब ने की थी। तो यहाँ बस हम पहुँचने वाले थे थोड़ी देर में। और माशाल्लाह हरम, अलीज़ा और सारा ने सेम ड्रेसेस पहने थे। हरम ने ये छोटी ईद पे गरारा पहना था, तो हमने सोचा कि सब बच्चों को एक साथ एक जैसा पहनाएं, तो मैंने हरम को दोबारा पहना दिया था। माशाल्लाह तीनों बच्चियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ रोहान सो गया था और हरम उसको तंग कर रही थी, बार बार उसको फिंगर्स मार रही थी ताकि ये उठे, और वो डिस्टर्ब हो रहा था इसकी वजह से। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, कैंप पहुंच गए थे। और पहुंच के हमने सबसे पहले खाना वगैरह सारा गरम किया और टेबल पे सेट किया। और ये मैंगो डिलाइट था, ये भी मेरी फ्रेंड ने बनाया था। ये मेरी फ्रेंड केक लेके आई थी, हमने वो भी रख लिया था। और केक के साथ तो ये हुआ था कि माशाल्लाह केक बचा ही नहीं, हम लोगों ने बस टेस्ट ही किया था। उसके बाद हमने चाय बनाई थी, खाने में हमने बिरयानी, कोफ्ते और इसके साथ हमने चार गोश्त बनाया था। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था। यहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे और हम सब लोग टी इंजॉय कर रहे थे अपनी। तो बच्चे माशाल्लाह सब बहुत खुशी हुए ईद के डेज में मिलके, और हमारी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई, बहुत अच्छी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।